या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास, इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। या बीसीसीआई की तरफ से और इंडिया की तरफ से के वो रिवेंज गेम के लिए तैयार है, इस तरह शाहिन शाह अफरीदी ने जो किया है उसके बाद वो इस कोशिश में कि जरा मैच हो और फिर पता है पाकिस्तानी बॉलर्स को। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो इस वक्त अच्छे शेप में है, उनकी क्रिकेट अच्छे शेप में है, स्पॉन्सरशिप उनके पास है, मीडिया राइट्स उनके पास है, तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि शायद ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पाकिस्तान होस्ट है, वैसे पाकिस्तान अब होस्ट इसका रहा नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो ये जो टूर्नामेंट है ये जेशा चाबिस को किडनैप कर चुके हैं, हाईजैक कर चुके हैं। एशिया में तो हम सभी को देखते हैं कोई इतना पावरफुल नहीं है भारत के अलावा। पाकिस्तान होस्ट है और सारी मर्जी इंडिया की, पैसा हो तो सारी मर्जी आप। एशिया में नहीं पूरी दुनिया में क्रिकेट को देखा जाए तो इंडिया से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं। मैं अभी भी समझता हूँ कि दोनों टीमों में विराट कोहली एक बहुत आला पाया का प्लेयर है, एंड ही इज गॉट दिस कैपेसिटी के ही राइजेस टू द बिग ओकेशंस जनरली, ये बहुत बड़ी चीज है विराट कोहली। रोहित शर्मा हो गए या विराट कोहली हो गए, बहुत बड़े बैटर्स हैं, लेकिन चलता है उनका और उन्होंने चलाया भी है और हम होस्ट हैं, ये तो आपने हमें दोबारा से याद कराया है, वैसे तो हम भूल गए थे कि हम होस्ट हैं। पूरी जो आइटिनरी थी खुद बनाई और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से, तो सारे मुल्क बेबस है इंडिया के। पाकिस्तान में रोहित शर्मा के और विराट कोहली के बड़े फैन है, बड़े इंडियन प्लेयर्स के फैन है, राहुल द्रविड़ की बड़ी यहाँ पे रिस्पेक्ट की निगाह से उनको देखा जाता है, सचिन तेंदुलकर को बड़ा देखा जाता है। इंडिया को कह रहे हैं क्रिकेट हम खेलें बगैर पैसे के खेलें, ऐसे तो हो नहीं सकता, तो या 85% रेवेन्यू आईसीसी को आप दे दें। पाकिस्तान इंडिया का मैच तो बहुत ही एक दुनिया में 48 मिलियन आपने देखा, 48 मिलियन आपने कहा उस दिन व्यूअर्स ने इस पर ज्वाइन किया था, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक इनिंग के थे, तो अभी जब दूसरी इनिंग होती है और बहुत क्रूशल स्टेज पे पहुंचता गेम, तो जस्ट इमेजिन कि क्या होना चाहिए था। ये जब तक कि हमारे सियासी मामलात हल नहीं होंगे इंडिया के साथ तो ये मामलात ऐसे ही। कमरान, ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, क्या हम इंडिया के बगैर एशिया कप कर सकते थे? इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? और जहां तक ब्लॉक बनने की बात है तो वो किसके साथ किसको मिला के बनाए? एशिया में तो हम सभी को देखते हैं कोई इतना पावरफुल नहीं है भारत के अलावा। एशिया में नहीं पूरी दुनिया में क्रिकेट को देखा जाए तो इंडिया से ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं, अपनी मर्जी से वेन्यू डिसाइड करते हैं, चाहे कोई भी टूर हो, सिर्फ एशिया का अपनी कोई भी टूर हो, आप देखें ऑस्ट्रेलिया में कैसी पिचेस बनाई जाती है, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं, अपनी क्रिकेट बेहतर कर रहे हैं, दुनिया की क्रिकेट नीचे जा रही है, उनको डोमिनेट कर रहे हैं, तो इस चीज का मेरे ख्याल से वो टाइम भी उनको फायदा हो सकता है। 266 रन इंडिया ने किए, बड़ी जबरदस्त था, टॉप ऑर्डर के आउट होने के बाद जो मिडिल ऑर्डर था उसमें बड़ा जबरदस्त संभाला दी हार्दिक पांड्या ने और ईशान किशन। यूनुस, यही बात मैं आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास, इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी, और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमजोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के हम सब मान के चलें कि अब बस हम कुछ नहीं कर सकते। हाथ है भारतीय सरकार का कि यही हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर और उसी हवाले से सारे फैसले हो रहे हैं, और इससे पूरे दुनिया के जो दर्शक हैं जैसे आप कह रहे हैं वो मायूस हो रहे हैं। जो इंडिया पाकिस्तान का मैच जो खासतौर पर सेकेंड इनिंग थी वो काबिल दीद होती, और अब जो नेक्स्ट मैच होगा मैं समझता हूँ वो फैसला कर देगा कि हम लास्ट मैच कौन जीतता है। मैं अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो इस वक्त अच्छे शेप में है, उनकी क्रिकेट अच्छे शेप में है, स्पॉन्सरशिप उनके पास है, मीडिया राइट्स उनके पास है, तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और पास में भी ऐसा होता रहे, जो जो बोर्ड्स जब उनके पास पावर थी, सब कुछ स्पॉन्सरशिप्स थी, उनके पास मीडिया राइट्स थे, तो वो अपने अपने अपना इंटरेस्ट देके हर कोई फैसला करता। मैं अभी भी समझता हूँ कि दोनों टीमों में विराट कोहली एक बहुत आला पाया का प्लेयर है, एंड ही इज गॉट दिस कैपेसिटी के ही राइजेस टू द बिग ओकेशंस जनरली, ये बहुत बड़ी चीज़ है विराट कोहली। तो यू नो उसकी जो एडजस्टमेंट होती है गेम अवेयरनेस की, मैच सिचुएशन की, वो कमाल है यार। तो दैट इज वाई मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान टीम के लिए विराट कोहली स्टिल रिमेन्स द डेंजर मैन। उसके बाद आप चूंकि बड़े जबरदस्त क्रिकेटर भी हैं और क्रिकेट को आप एनालाइज भी करते हैं, कमेंटेटर भी बड़े पाए के यहाँ जाने माने, क्या लगता है जब पिच की जैसी पिच थी, क्या पाकिस्तान इस टारगेट को चेस कर सकता था या आपको लगता था कंडीशन बड़ी आसान हो गई थी पाकिस्तान के लिए? यही बड़ी बड़ा मजा आया क्योंकि मुझे हमें लग रहा है कि हम भी जाते पाकिस्तान लग रहा है वो जी जाते रन काफी होते हैं, मुझे लगता है कि कंडीशन ऐसी की पर जो पर एक दिन से लग रहा था कि जब चार आउट हुए ये मैच निकाल के ले जाएंगे, पर एक दिन डेप्थ जो है
पर इंडियन पाकिस्तान की फौजों से नमाज के फैंट के और में आपने रोक लिया, नहीं तो 300 हो जाते। पर जितना स्कोर था आप नीचे देखते हुए आसान ना होता, क्योंकि हमारे पास भी टॉप क्लास अटैक है, ऐसी बात नहीं है। तो 266 ऑन दैट पिच ऑन दैट डे मुसीबत होती, बड़ा मजेदार मैच होता। और अब चलिए अगला मैच के इंतजार में है, क्योंकि उसमें रिजल्ट दे दी है और अब श्रीलंका में बारिश होती है, ये तो सबको पता ही है। पर ये तो मैच तो है, बाकी इंडियन बैटिंग वर्सेज पाकिस्तान बोलेगा, ये तो सबको पता ही है।